कैसे फ्रेंड्स, मैं हूँ शौर्य, आपका दोस्त। और आज मैं अपनी भाभी के साथ जाऊंगा। बेसिकली वो ड्राइविंग क्लास ले रही हैं और 4-5 दिन तो हो गए। कितने दिन हो गए भाभी लेते हुए क्लास? 4 डेज हो गए। मैंने तो भाई 3 घंटे में मतलब ड्राइविंग सीखी थी। अभी मैं अपनी भाभी से मिलवा रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट टाइम है जो मेरी भाभी कैमरे के सामने आ रही है। वैसे तो काफी हेजिटेट फील कर रही थी। कर रही थी कि नहीं? नहीं करती भी। सो ये है मेरी भाभी जी। और क्या मैंने कहा ज्यादा ही बोल रहा है, मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं मजाक नहीं, ज्यादा डिलीट मार देंगे ये। ये डिलीट कैसे? अच्छा, एक इसमें पता क्या है मेरे इसमें कि मैंने कभी कोई इसमें डिलीट नहीं मारता। आज ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज है कि अगर आपको भी गाड़ी चलाना सीखना है तो आज इनकी ड्राइविंग देखना। ये नहीं देखना और मौका मिले तो हमारे साथ ड्राइविंग में आना, हम आपको बताएंगे। बहुत बढ़िया चलाते हो आज, देखते हैं जरा। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इनके साथ। वैसे तो भाई ड्राइवर होगा वहाँ पे। हाँ, जो सिखाता है। नहीं तो गाड़ी उन्होंने ऐसे थोड़ी ना हमें दे देनी है। अच्छा, और एक और यहाँ का मतलब पता है क्या है, बदल बदल के गाड़ियाँ देते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता था कि शायद एक ही सेम ही गाड़ी रखते हैं। नहीं, वो पूछते ना कि आपको अल्टो चलानी है, डिजायर चलानी है, कुछ भी आप कोई भी चलानी है। अच्छा, ये हमसे पूछते हैं रीजन, अगर किसी को आती नहीं तो होता है। अगर मेरे को मर्सिडीज चलानी है फिर तो वो प्रोवाइड करवाएंगे आपको, वो पूछ लेते ना। अच्छा, उस हिसाब से फिर बजट लेते हैं। नहीं, बजट नहीं, वो बंदे को देखते ना। हमने बोला हम तो अल्टो ही चलाएंगे भाई। हम अभी अल्टो ही चलाएंगे ना, कहीं टुक टाक की तो अल्टो के पैसे भरेंगे, बीएमडब्ल्यू के नहीं भरते। अभी पी के हमें थोड़ी एनर्जी आती है। हाँ, क्योंकि हाँ, हमारे ससुर जी का मतलब मेरे पापा को, इनके ससुर जी के लिए सबसे पहले चाय बनानी पड़ती है। तो आज मैं सोच रहा हूँ मैं चाय बनाऊँ, तो मैं चाय बनाऊँ। हाँ बिल्कुल। तो आज मैं बनाऊंगा जिंजर कैप्टी। ओके, कैप्टी या वैप्टी? ये जिंजर गार्लिक या क्यूमिन सीड या ब्लैक पेपर? ब्लैक पेपर टी? ब्लैक पेपर टी? सिर्फ कैप्टी? केरी? नो नो, सिर्फ कैप्टी। ओनली कप और टी चाहिए हमें। ओनली कप और कप में टी बस। ओनली कप टी, कप टी, कप टी। नो जिंजर, नो काजल। ब्लैक काजल, तू भी कप टी। सेम टू, तू भी कप टी, तू भी कप टी। सेम टू यू, मैं भी कप टी। हमें कप और कप में टी बस। इस भाई साहब को दिखाता हूँ, रुको। हमारा भाई साहब, ओ भाई साहब, हम मजाक कर रहे हैं, हम कोई मत बना। ये हमारे भाभी साहिबा है। वेली मैडम बना लेता है। नहीं जी, हम इनकी मैडम नहीं है, हम इनकी मैडम है। हम इनकी मैडम है। ये देखो भाई साहब को, ये थोड़ा सा इनके अल्फाज नीचे गिर जाते हैं। हर किसी को मैडम लेके। बड़ी जल्दी आ गए हो। हम तो जल्दी आते हैं। बड़ी जल्दी, 10 मिनट हो गया मुझे वेट करते करते। तू क्या चले, बैठे रहो। तो बैठे ही हैं हम, कौन सा खड़े हो रहे। तो भाभी 4 दिन हो गए, आप चलाओ गाड़ी। अभी हम आपकी गाड़ी पे रिस्क नहीं ले सकते ना, हम तो उनकी गाड़ी पे ही लेंगे ना, जिनको हमने पैसे दे रखे हैं। ठुके भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं अपना ओम नमो नारायण ड्राइविंग स्कूल में। आज काजल का बोलना है कि वो भी थोड़ा गाड़ी चलाएगी, अगर वो उन्होंने चलाने दिया। वैसे परमिशन देंगे नहीं वो काजल को भी चलाने की गाड़ी? देंगे क्यों नहीं देंगे, पेमेंट हो जाएगी। अगर ये मैडम आ रखी है तो किसी को भी कभी परमिशन मिल सकती है। और वो है हमारी मैम की गाड़ी। अभी मैडम छोटी गाड़ी में सीखती है, ज्यादा बड़ी गाड़ी ले नहीं सकती। अब हम बैठेंगे आगे। चलो मैम, ऑल द बेस्ट। बोलो साचे दरबार की जय। अच्छी चला रही हो। गाड़ी भीड़ में ही सीखी जाती है। क्यों भैया, हम अंदर मोड़ मोड़ पे लेके जाओ। तुम्हारे भाई ने बोला ना अच्छी वहाँ लेके जाना भैया। नहीं, फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग मतलब 3-4 दिन हुए ना आपको चलाते हुए, काफी सही चला रहे हो उसके अकॉर्डिंग। भैया एक बार हमारे इनको दर्शकों को भी बता दो, मतलब क्या बेसिकली क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो? जरूरी है, कई लोगों का कहना है कि आपके पास अपनी गाड़ी ही होनी चाहिए तभी करके आप सीख पाओगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अपनी गाड़ी हो तभी सीख पाओगे। हाँ जी,
ये तो जरूरी नहीं है। अच्छा, पर ये है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे सीखने के बाद आपके पास अपने पास गाड़ी होगी ना, तो उसमें ये होगी हाथ जल्दी साफ होता है, जल्दी साफ होगा बिल्कुल। अब हम आधा घंटा सिखाएंगे, आधा घंटे के बाद एक दिन में आधा घंटा चलाया तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? राइट, घर जाके अपनी गाड़ी में ट्राई करेंगे, चाहे आगे पीछे करो उसमें, बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का कि आप अपनी गाड़ी पे थोड़ा सा हाथ साफ करेंगे। बिल्कुल, गाड़ी स्टार्ट करी, गियर पाया, उसकी ट्रेनिंग होगी बस। बिल्कुल, हमने तो सिर्फ आपको ये पता है, देखो फिर हाँ एक बार सीख लो, उसके बाद एक्सपीरियंस से आपका पता चले, एक महीना सीख लिया उसके बाद 10 साल ना चलाई, फायदा क्या उसका। तो आज का दिन खत्म, क्लास ओवर। तो मैडम कैसा रहा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इनके साथ? गाड़ी चलाते ही रहो कंटिन्यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपने अकॉर्डिंग बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, तुम अपने आपको पॉइंट देना चाहोगे 10 में से कितना दोगे? कि अभी तो 20%, ज्यादा नहीं, क्योंकि अवेयर होना पड़ता है ना उसके लिए, तो वो मेरे अंदर अभी आए नहीं अवेयरनेस। अच्छा चलो ठीक है, बाकी सच बताओ मैंने भी आज 2-3 चीजें सीखी। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि जनरली हम बोलते हैं ना कि लड़कियां बॉयज से थोड़ा चलाती हैं गाड़ियां, बट ये नहीं है। क्या बताओ, क्या बोला भाई ने? कि वो एक्टिवा चलाती है तो उन्हें रेस और ब्रेक का ही पता होता है, उनके गियर का क्लच का पता नहीं होता उनको। ये तो है, लेकिन मेन बात ये है कि बॉयज जो है जनरली वो काफी छोटी एज से ही गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, बाइक, और उनका डर एक्टिव थोड़ा ज्यादा होता है, कम होता है। और इन भाई का यही बोलना था, सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए सबसे एक चीज जो चाहिए सबसे पहले वो क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इंसान अपने आप गाड़ी चलाना सीख लेता, बाकी तो बात की बात है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टमाटर लेने हैं, टमाटर ले लेते ना, तो ये मेरे को टमाटर मारने, वैसे खुद तो लाल टमाटर जैसी लग रही है। जल्दी चलो ना वहाँ पे, अभी कहाँ पे, मैं नहीं जा रहा, पेपर मिल में चलना, लेट हो रहे हैं। चलो ठीक है गाइस, बाय 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 बाय। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's